नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप भी ऑनलाइन पीएफ क्लेम किए और आपका जो क्लेम है रिजेक्ट हो गया, कुछ इस प्रकार से आपको भी मैसेज आए कि आपका जो क्लेम है रिजेक्टेड हो गया, या फिर आप उमंग एप्स के जरिए से भी चेक कर रहे हैं तो वहां पे भी ओनली आपको रिजेक्टेड ही बता रहा है, और ईपीएफओ जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आपको रिजेक्टेड ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर जो पूरा है रिजल्ट आपको नहीं बता रहा है कि आखिर आपका क्या रीजन से क्या कारण सबका क्लेम जो रिजेक्ट हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप चेक कीजिएगा कि आखिर आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ, उसका रीजन किस प्रकार से चेक कीजिएगा, एक सही तरीका क्या है दोस्तों, आप अपना क्लेम का जो ट्रैक उसको करता है किस प्रकार से कीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, आप यहां पे अपना क्लेम स्टेटस को चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल्स में कि आखिर क्यों आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जाकर आपको कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन करना और वहां पे आपको सर्च करना है यूएन पासबुक। यूएन पासबुक आप यहां पे जैसे सर्च की ईपीएफओ को जो पासबुक पोर्टल का लिंक है आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका ऊपर में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसका ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो पासबुक पोर्टल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अपना यूएन नंबर पासवर्ड को एंटर करके उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा कोड शो कर रहा होगा इस कैप्चा कोड को आपको अच्छी तरह से यहाँ पे आपको फिलअप कर देना, उसके बाद यहाँ पे आपको साइनिंग कर देना है। साइनिंग का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पासबुक पोर्टल है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के दौरान आपका जो भी इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से दिखा जाएगा, यहाँ पे कुछ आपका अमाउंट भी दिखा जाएगा, लेकिन अभी मैं अमाउंट के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा क्लेम स्टेटस किस प्रकार से चेक करेंगे पूरा रीजन के सहित, यानी कि क्या रीजन से हमारा रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पे देख सबको होम प्रोफाइल, उसके बाद पासबुक, देन उसके बाद यहाँ पे क्लेम्स का ऊपर में आपको क्लिक करना है। ये फोर्थ नंबर का जो भी ऑप्शन है इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। इसका ऊपर में आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फ्यूचर में जितने भी क्लेम्स के होंगे पूरा डिटेल्स में दिखा जाएगा, और नीचे में आपको यहाँ पे क्लेम्स डिटेल्स दिखा जाएगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग क्लेम्स, यानी कि जितने भी आप क्लेम किए होंगे तो कोई भी पेंडिंग में, तो यहाँ पे पेंडिंग में शो करेगा। हमारा कोई भी क्लेम पेंडिंग में नहीं है तो नो क्लेम्स पेंडिंग यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेटल्ड क्लेम, सेटल्ड क्लेम में दोस्तों आप फ्यूचर में कभी भी क्लेम किए हो और सेटल्ड हुआ हो तो यहाँ पे उसका भी डिटेल्स पूरा दिखा जाएगा कि कौन सी फॉर्म आप अप्लाई किए थे, कितना डेट को किए थे और कितना अमाउंट आपका अप्रूव हुआ था। और अब यहाँ पे मेन मुद्दा की बात करेंगे रिजेक्टेड क्लेम्स के बारे में, तो हमारा भी यहाँ पे देखते हैं एक क्लेम रिजेक्ट हुआ है और यहाँ पे रिजेक्टेड और यहाँ पे रीजन भी यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा है, जो कि रेड लाइन में आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पे हमारा क्लेम रिजेक्ट हुआ है और उसका रीजन सहित यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे रीजन में हमारा फर्स्ट रीजन क्या है दोस्तों, फादर नेम यहाँ पे डिफरेंट करके बता रहा है। उसके बाद सेकेंड में हमारा क्या है, मेंबर नेम नॉट प्रिंटेड ऑन चेकबुक, यानी कि दोस्तों हम जो भी चेकबुक अपलोड किए थे उसमें हमारा नाम प्रिंटेड नहीं है करके कुछ इस प्रकार से बोलकर हमारा क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो आपका भी कोई भी कारण बोलकर यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, रीजन कुछ भी डाल रहा है, तो उस रीजन को आपको चेक कर लेना और जो भी रीजन है उसको सॉल्व करके देन फिर से अगेन आपको क्या अपना जो भी क्लेम है उसको अप्लाई कर देना, जो भी आपका फॉर्म रहेगा उसको आप अप्लाई कर देना। लाइक हमारा यहाँ पे क्या रीजन था, हमारा जो चेकबुक में नाम प्रिंटेड नहीं था, तो मैं क्या किया यहाँ पे दोस्तों, जो हमारा पासबुक है पासबुक में हमारा नाम प्रिंटेड था और सील सिग्नेचर सब कुछ ए टू जेड उसमें रेडी था, तो मैं उसको अपलोड करके यहाँ पे फिर से जब क्लेम किया हूँ तो हमारा क्लेम यहाँ पे सेटल्ड भी हो चुका है, जो कि देख सकते हैं 6 तारीख को हमारा ये सेटल हुआ है और 5,000 हमारा अमाउंट। और मैं इससे पहले जो किया था जो कि 2 तारीख को ये रिजेक्ट हो गया था रीजन में जो बताया था, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके फिर से यहाँ पे हम क्लेम किया तो हमारा सेटल 100% हो गया। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका भी यदि क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है तो उसका रीजन आप चेक कर लीजिए एक बार अच्छी तरह से क्या रीजन बता रहा है आपको, देन उसको आपको देख के फिर से आप दोबारा जो भी क्लेम आप कीजिए आपका 100% फिर जो भी क्लेम है उसको सेटल कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में, एक न्यू जानकारी के साथ में। पीएफ से जुड़े ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।